इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट ऑन डिमांड फेसबुक एड्स के बारे में, यानी कि फेसबुक एड्स आप कैसे चलाओगे प्रिंट ऑन डिमांड के लिए और क्या चीज़ें हैं जो पहले ज़रूरी होनी चाहिए आपके फेसबुक एड्स के सक्सेस होने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप एक फेसबुक ऐड चलाते हो तो उसके पहले कुछ चीज़ें होती जिनके बारे में मैं बात करूंगा, वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तब जाकर के जो आपका फेसबुक ऐड है वो भी काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ होती है प्रिंट ऑन डिमांड की, उस पर आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, वीडियोज आती रहेंगी, रेगुलरली वीडियोज आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चार दिन की वर्कशॉप जो मैं कर रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उस चार दिन की वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। अगली वर्कशॉप 10 जून से है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। लगातार हर हफ्ते ये वर्कशॉप होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए वो है उसकी डिज़ाइन। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट आप टी शर्ट सेल कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरी चीज़ सेल कर रहे हो, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए। ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो ड्रॉप शिपिंग में आपको मोस्टली आपका एक प्रोडक्ट का पार्ट होता है प्लस फेसबुक एड्स का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, मगर प्रिंट ऑन डिमांड में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी डिज़ाइन यूनिक है तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, अगर आप एक जेनरिक डिज़ाइन बेच रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपको कि आप अपने फेसबुक एड्स को प्रॉफिटेबल बना पाओगे, क्योंकि प्रिंट ऑन डिमांड में जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा कम होता है ड्रॉप शिपिंग के मुकाबले। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपकी डिज़ाइन ऐसी है जो किसी और के पास नहीं है, आप प्रिंट ऑन डिमांड है तो डिज़ाइन यार आप ही क्रिएट कर रहे हो, तो वो डिज़ाइन पहले किसी और के पास नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। हो सकता है कुछ डिज़ाइन थोड़ी बहुत मैच करेंगी, लेकिन अगर आप खुद से डिज़ाइन करते हो तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे और वो डिज़ाइन आपके लिए यूनिक होंगी, प्लस वो डिज़ाइन जो हो वो लोगों से रिलेट करनी चाहिए। अगर आप अपनी डिज़ाइन को लोगों से रिलेट करवा पाते हो तो लोग आपकी डिज़ाइन्स को खरीदेंगे, ये पक्का है। अगर मैं आपकी डिज़ाइन देखता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये तो मैं भी करता हूँ या फिर ये चीज़ तो मेरे साथ भी होती है, देन आई विल बाय दैट डिज़ाइन। सो इस तरह से आपको सोचना होगा अपनी डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। सेकेंड थिंग कि जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो ऐसी डिज़ाइन रखो कि अगर आप निश में हो या उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, मेक श्योर कि आपकी डिज़ाइन यूनिक हो और वो डिज़ाइन किसी और के पास ना हो, आपके पास वो डिज़ाइन है तो आप उस चीज़ को सेल कर पाओगे। अब बात आती है दूसरी चीज़ की जो है हमारी निश या फिर जनरल। अब यहाँ पर प्रिंट ऑन डिमांड में निश बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आपको निश से शुरू करना चाहिए, तो सही बात भी है वो कि अगर आप पहली चीज़ निश उन लोगों को चुननी चाहिए जो किसी चीज़ में पहले से बेटर है, यानी कि अगर आप एक डिज़ाइनर हो और आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो, लेट सपोज मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो अब होगा क्या कि मुझे इंजीनियरिंग वाले लोगों के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि इंजीनियरिंग वाले लोग कैसे सोचते हैं, उनके पास क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंजीनियर्स रिलेट कर पाते हैं। तो अगर मैं प्रिंट ऑन डिमांड में किसी निश में जाऊंगा तो मैं इंजीनियरिंग वाली निश में जाऊंगा क्योंकि उसके बारे में मेरे को पता है, और अगर मैं उसके जो चीज़ मेरे को पता है उसके बारे में मैं डिज़ाइन बनाऊंगा तो मैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाऊंगा, काफ़ी रिलेटेबल डिज़ाइन बनाऊंगा और मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। अभी मेरे को फुटबॉल का कोई आइडिया नहीं है लेकिन मेरे को किसी ने बता दिया यार फुटबॉल की टी शर्ट्स बहुत बिकती है, और मेरे को फुटबॉल का कुछ आइडिया नहीं है, मैं चल दिया फुटबॉल की टी शर्ट बनाने, तो फिर मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा लोगों से, ना मेरे को ज़्यादा नॉलेज है उसकी। तो अगर आप निश चूज़ करते हो तो वो निश चूज़ करो जिसकी आपको नॉलेज हो, प्लस थोड़ा बहुत आपको आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप उस निश को भी यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपकी, अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसकी कोई मार्केट ही नहीं है, ठीक है, यानी कि लोग नहीं उसमें खरीदने वाले, तो आप क्या करोगे, वैसे ऐसी तो कोई निश नहीं है जिसकी मार्केट ना हो, बट स्टिल आप क्या करोगे, आप फिर वहाँ पर निश रिसर्च करते हो, अपनी निश फाइंड करते हो, निश फाइंड करने के बाद आप वहाँ पर प्रोडक्ट को रिसर्च करते हो, अपनी डिज़ाइन को रिसर्च करते हो। डिज़ाइन रिसर्च कैसे करनी है प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आई बटन पर क्लिक करो, पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो अगर आप जनरल स्टोर बनाते हो अपने प्रिंट ऑन डिमांड की, तो जनरल स्टोर में आपको बेसिकली ऐसी डिज़ाइंस बनानी होंगी जो एक जनरल ऑडियंस भी उसको वियर कर सके। जैसे ये मेरी जो टी शर्ट मैंने पहनी है इसको कोई भी पहन सकता है, इसको पहनने के लिए किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसको हम एवरग्रीन डिज़ाइन कहते हैं जिसको कोई भी पहन सकता है। तो अगर आप जनरल बनाना चाहते हो तो आप एवरग्रीन डिज़ाइन बनाओ जिसको कोई भी पहन पाए, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी ब्रॉड टारगेटिंग कर पाओगे। तो ये दो चीज़ें थी, या तो निश में चलो या जनरल चलो, या फिर आप अपना जो आपका डिज़ाइन है वो यूनिक होना चाहिए, उसके बाद जो आपका काम आता है, उसके बाद काम आता है आपका फेसबुक एड्स। ठीक है, देखो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, बाकियों का नहीं पता मेरे को, मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट जब टेस्ट करता हूँ तो उसको मैं ब्रॉड ऑडियंस में रखता हूँ, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस में रखता हूँ। लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड में अगर आप एक निश स्टोर चलाते हो, ठीक है, पहली चीज़ अगर आप एक निश स्टोर चला रहे हो जिस पर्टिकुलर निश में है, तो उसमें ब्रॉड ऑडियंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी, नैरो ऑडियंस करो, जितनी ज़्यादा आप नैरो करते जाओगे लोगों को, यानी कि एक स्पेसिफिक हाईली टारगेटेड ऑडियंस को आप अपना एड्स दिखाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई डॉग निश है, डॉग निश के अंदर भी आपने एक किसी डॉग ब्रीड को पकड़ लिया, उस डॉग ब्रीड के राउंड आप टी शर्ट बना रहे हो, लेट्स सपोज पग है या फिर लैब्राडोर है, उसके अराउंड आप टी शर्ट बना रहे हो, तो आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी स्पेसिफिक है। आप डॉग को टारगेट कर सकते हो, डॉग को टारगेट करके उसको नैरो करो, नैरो करके आप उसे
यू नो डॉग ब्रीड में कर सकते हो, डॉग ब्रीड को नैरो करके आप लैब्राडोर में कर सकते हो, या फिर मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर कर रहे हो, आप नैरोइंग कर रहे हो, अपनी अपनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे हो एक हाईली टारगेटेड ऑडियंस के खिलाफ, और हाईली खिलाफ नहीं यार क्या बोल रहा हूँ, एक हाईली हाईली टारगेटेड ऑडियंस के लिए। तो बेसिकली जो आपका ऑडियंस साइज होना चाहिए 100K से लेकर 300K 400K तक अगर आप अपनी ऑडियंस साइज रखते हो प्रिंट ऑन डिमांड, प्रिंट ऑन डिमांड के लिए, ठीक है, आप एक निश में अगर काम कर रहे हो, अगर आप एक निश में काम कर रहे हो उस निश में आप नैरो वगैरह करके आप 100K तक ले आते हो, ठीक है, अगर आप एक डॉग इंटरेस्ट को चूज़ करोगे फेसबुक में तो काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट है वो, उस डॉग इंटरेस्ट को आप नैरो डाउन करके 100K तक, 300K 200K तक लाते हो, उसके बाद आप उसकी उसको ऐड को रन करो, हाईली टारगेटेड ऑडियंस रहेगी आपकी। तो आपकी अगर डिज़ाइन यूनिक है, अगेन आपने ऐड तो क्रिएट कर दिया लेकिन अगर आपकी डिज़ाइन यूनिक है सेल आएगी, ठीक है। अगर आप एक जेनरिक डिज़ाइन बेच रहे हो, आई लव डॉग्स, आपकी टी शर्ट पे लिखा है आई लव डॉग्स, उसकी उसकी सेल नहीं आने वाली, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि उसकी सेल आए कि आपने बस आई लव डॉग लिख दिया या फिर यू नो पग लाइफ लिख दिया, ये सब चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं, ठीक है, थीके? थोड़ा सा कुछ यूनिक करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, अगर आप एक जनरल डिज़ाइन लेकर चल रहे हो, आपकी एक जनरल निश है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप वहाँ पर ब्रॉड जा सकते हो, आपको वहाँ पर बेसिकली निश में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर ब्रॉड में जा सकते हो, बेसिकली आपकी ऑडियंस ऐसी है जो एवरग्रीन ऑडियंस है आपकी, यानी कि उस टी शर्ट को कोई भी ले सकता है, अगर मैं इस टी शर्ट को बेचने जाऊँगा तो वहाँ पर क्या होने वाला है, आई विल गो ब्रॉड, मैं जितना ब्रॉड जा सकता हूँ मैं उतना ब्रॉड जाऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये टी शर्ट जो है वो पहुँचे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें। सो बेसिकली निश के लिए चीज़ें अलग रहती हैं और ब्रॉड ऑडियंस और जनरल एवरग्रीन डिज़ाइन के लिए चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, आपने फेसबुक ऐड चला दिया, फेसबुक ऐड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऐड क्रिएटिव। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए ऐड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा नहीं है सेल नहीं आने वाली, भले आपका प्रोडक्ट क्वालिटी कितनी अच्छी हो, कुछ भी कितना भी अच्छा हो, ऐड क्रिएटिव आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। जब लोग, क्योंकि देखो लोग उसको छू नहीं पाते, लोग केवल उसको विजुलाइज करेंगे, लोग उसको देखेंगे, अगर लोग उसको देखकर, लोगों को देखकर वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो उसको नहीं खरीदने वाले, ठीक है। तो प्रिंट ऑन डिमांड के लिए जो मॉकअप आपको सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कुकिंग हो गया, ये लोग जो मॉकअप प्रोवाइड करते हैं बहुत जनरल मॉकअप होता है, वो अच्छा भी नहीं लगता, अगर आप उसको लेकर के अपना ऐड चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात आपको सेल नहीं आएगी उतनी ज़्यादा। तो बेसिकली आप मॉकअप क्रिएट कर सकते हो, आप कैनवा का इस्तेमाल करो मॉकअप क्रिएट करने के लिए, फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेसिट का इस्तेमाल कर सकते हो मॉकअप क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से आप अच्छा सा मॉकअप क्रिएट करोगे जो आपके फेसबुक एड्स को एक बूस्ट देगा। और प्रिंट ऑन डिमांड में होता क्या है ना, अगर आपकी डिज़ाइन क्लिक कर गई ना बंदे को, मतलब अगर आपकी डिज़ाइन पसंद आ गई उस पर्टिकुलर निश के बंदे को, तो फिर वो डिज़ाइन शेयर होने लगती है। प्रिंट ऑन डिमांड की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डिज़ाइन होती हैं, उनको लोग शेयर करते हैं, अगर उनसे रिलेटेबल लगती है तो उसको शेयर करने लगते हैं, और जब वो शेयर होती है तो शेयर होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा आपको जो ऑर्गेनिक, आप कह सकते हो जो ऑर्गेनिक सेल है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक सेल भी आपको मिलती है, जिसकी वजह से आपको जो लो मार्जिन है वो मैनेज हो जाता है आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक विनिंग डिज़ाइन तक पहुंचना है आपकी, कि आपकी वो विनिंग डिज़ाइन कौन सी होगी, आपको अलग अलग, जैसे हम शॉपिंग ड्रॉप शिपिंग में अलग अलग प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन को टेस्ट करना होगा, और अलग अलग डिज़ाइन को टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी विनिंग डिज़ाइन है, और वो विनिंग डिज़ाइन आपको सेल ला कर देगी एंड यू विल बी इन प्रॉफिट। सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस था, रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहली चीज़ कि आपका जो यू नो वट एवर, आप अगर जो भी डिज़ाइन बना रहे हो डिज़ाइन थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप डिसाइड करो आपको निश में जाना है कि जनरल जाना है। तीसरी चीज़, फेसबुक एड्स नैरो करो, लेयर करो उसको, ठीक है, लेयर डाउन, लेयर्स बनाओ प्लस नैरो डाउन करो, हाईली स्पेसिफिक ऑडियंस तक जाओ। उसके बाद अपने ऐड क्रिएटिव पर काफ़ी फोकस करो, ठीक है, जो भी आपका ऐड क्रिएटिव उस पर काफ़ी फोकस करो, मॉकअप को सुंदर बनाओ। और बेसिकली अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में हो तो आपके लिए डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो आपका जो मॉकअप होना चाहिए उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एज अ ब्रांड रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे और वहाँ से वो परचेस करेंगे, ठीक है। तो ये थी वीडियो आपके फेसबुक एड्स अबाउट प्रिंट ऑन डिमांड। अगर और वीडियोस आपको जाननी है प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट में बताओ, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो अपॉन दिस, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हो तो कर दो यार सब्सक्राइब, ठीक है। और हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, और अगर आप चाहते हो वर्कशॉप ज्वाइन करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।